उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान का मंगलमय विधान आप सभी के लिए कल्याण प्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर बहुत दिनों से नारद भक्ति सूत्र का विवेचन चल रहा था, जो कि कल सायंकाल को संपूर्ण हुआ। संक्षेप में उसे पूर्ण करने का कारण यह था कि इन दो तीन दिनों में आप लोगों को कुछ और भी बातें मैं बता दूं। अभी यहाँ के बच्चों से कुछ बात करते हुए भारत के इतिहास से संबंधित कुछ बातें मैंने समझाई। मेरी ऐसी राय है कि वैदिक विज्ञान मनुष्य को परिपूर्ण जीवन जीने की सीख देता है। उसके अतिरिक्त अन्य जितने कंसेप्ट हैं, वो सारे के सारे अपने आप में अधूरे हैं। अधूरे इसलिए हैं कि जीवन में जो कुछ चाहिए उसकी व्यवस्था व प्रतिष्ठा नहीं कर पाते। भगवान बुद्ध भारत की धरती पर अवतरित हुए और तत्कालीन परिस्थितियों में उन्होंने मानव समाज के लिए एक दिशा प्रदान की, जिसमें उन्होंने कहा कि निर्वाण ही जीवन का अंतिम ध्येय है और उस अंतिम ध्येय को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। निर्वाण जीवन का अंतिम लक्ष्य है, ये वेद भी मानता है, लेकिन वेद की यथार्थता इसमें है कि वह कहता है कि दुनिया का प्रत्येक प्राणी जन्म से केवल निर्वाण के लिए ही प्रयत्नशील नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य होने के नाते उसकी कुछ और भी आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं को पूर्ण करना भी उसका काम है। तो वैदिक विज्ञान हमें यथार्थ जीवन जीने की सीख देता है और उसमें जीवन के हर एक पहलू को किस ढंग से समझा जाए, देखा जाए, प्रयोग किया जाए, उसकी पूरी व्यवस्था प्रदान करता है। और वैदिक धर्म का ही सार रूप भगवद गीता है और विद्वानों की राय है कि भगवद गीता बुद्ध से पूर्व की अंतिम कृति है। दार्शनिक क्षेत्र में भगवद गीता के बाद में जितने हमारे ग्रंथ हैं, चाहे वो वैदिक विचारधारा के ही क्यों न हो, उन ग्रंथों में भी बुद्ध का प्रभाव है। और इसलिए हमारे यहां वैदिक धर्म के आचार्य माने गए हैं आचार्य शंकर। शंकर को तत्कालीन विद्वानों ने प्रच्छन्न बौद्ध कह करके उनके विचारों का खंडन भी किया। हम जब आचार्य शंकर के विचार को देखते हैं और वैदिक विचार को देखते हैं,
तो बहुत गैप मिलता है दोनों में, बहुत फासला हमें दिखाई देता है। कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। वेद में मनुष्य शरीर को तीन नाम दिए गए हैं, देवानामपुर अयोध्या पहला नाम है इसका। मनुष्य शरीर देवताओं की नगरी है और ये अयोध्या है। इसका पूरा विवेचन किया गया है वेद में, अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानामपुर अयोध्या, आठ चक्रों वाली नौ दरवाजों वाली देवताओं की नगरी ये अयोध्या है। और इसके तस्याम हिरणमय कोशे, इसके हिरणमय सुनहरी कोश में, जो ब्रह्म चक्र में रोज बता करता हूं उसको हिरणमय कोश कहते हैं, वहां पर राम निवास करता है। राम अयोध्या के अधिपति हैं। इस शरीर में राम कहां रहते हैं, अयोध्या में राम कहां रहते हैं, कनक भवन में, उसको कनक भवन कहते हैं। कनक भवन माने स्वर्ण भवन, स्वर्ण का महल। और इसमें क्या है अयोध्या, तस्याम हिरणमय कोश है, इस अयोध्या में हिरणमय कोश, वही कनक भवन, हिरण माने सोना, उसी कनक भवन में इसमें भी राम रहते हैं। अब इसी के आधार पर वो अयोध्या बसाई गई थी। जब सर्वप्रथम इक्ष्वाकु ने अयोध्या बसाया तो वेद के इस मंत्र के आधार पर अयोध्या की रचना की। जैसे मनुष्य का शरीर है ऐसे अयोध्या नगरी को बसाया गया। उस अयोध्या नगरी में भी नौ दरवाजे आठ चक्र बना करके और पूरी यानी उसी को शेप दे करके उन्होंने बताया। तो यह समझाया गया कि मनुष्य शरीर देवताओं की नगरी है और अयोध्या है, ये पहला कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट क्या है, ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, देव दुर्लभ है। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्ते भारत भूमि भागे, देवता लोग गीत गाते हैं कि वे धन्य हैं जो भारत भूमि में मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये स्वर्गापवर्गार्थ फलार्जनाय स्वर्ग और अपवर्ग को प्राप्त करने का केवल एकमात्र यह साधन है। रामायण में तुलसीदास जी ने इसी की व्याख्या की, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जो परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये स्वर्ग का दरवाजा है, मोक्ष का दरवाजा है, इससे पवित्र और कोई चीज नहीं है। मनुष्य शरीर से पवित्र, मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ, वेद व्यास ने घोषणा की, नहीं मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित, मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं दुनिया में। और वेद ने क्या कहा, सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष, ये दूसरा कंसेप्ट, मनुष्य का शरीर परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। तो पहले कंसेप्ट में बताया गया ये मनुष्य का शरीर देवताओं का मंदिर है, एक ये मनुष्य का शरीर देवताओं का मंदिर पहला, दूसरे में ये मनुष्य का शरीर मोक्ष का दरवाजा, तीसरे में मनुष्य का शरीर परमात्मा की प्रतिकृति प्रतिमूर्ति, ये तीन कंसेप्ट वेद में मिलते हैं। लेकिन इसके विषय में आचार्य शंकर ने क्या कहा सुना है आपने, नहीं, उनके शिष्य से पूछा, शिष्य ने पूछा कि भगवान दुनिया में सबसे बड़ा नरक क्या है, नरकस्य नरकम किम, नरक का भी सबसे बड़ा नरक क्या है, तो उन्होंने अपने शिष्य को उत्तर दिया, स्व शरीरम, क्या समझे, यानी आप जरा देखिए कंसेप्ट में बता रहा हूं आपको कितना अंतर है दोनों में। नरक का नरक क्या है, कहा अपना शरीर, एक बात। दूसरी बात, समाज में वैदिक धर्म में बताया गया कि ये मनुष्य शरीर परमात्मा को प्राप्त करने का श्रेष्ठतम साधन है, पूर्णत्व को प्राप्त करने का श्रेष्ठतम साधन है, इसलिए इस मनुष्य शरीर को संसार में उत्पन्न करने वाली जो है वो जननी है, मां है, और जननी जो है वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होगी, तो स्वर्ग तो प्रदान करने के लिए शरीर को पैदा करती हो, तो जो स्वर्ग का प्रदाता है वो तो स्वर्ग से भी महान होगा। इसलिए वैदिक कंसेप्ट ने बताया कि ये जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी,
माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है, ये वैदिक कंसेप्ट है। वेद में भी बताया गया कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, माँ जो है ये पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी में क्षमा आदि गुण विद्यमान है ऐसे माँ में सारे गुण विद्यमान है, माँ ही हमारा आधार है, माँ ही हमारा जीवन है, ये स्वर्ग स्वर्ग का द्वार है क्योंकि इसी से हम स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, स्वर्ग में प्रस्थान करते हैं। तो नारी का स्वर्गीय सुख प्रदान करने में मूल हाथ होने के नाते नारी को स्वर्गमयी सृष्ट लक्ष्मीश्च पत्नम वेद में बताया गया कि तुम्हारी जो धर्म पत्नी है तुम्हारे लिए श्री है, तुम्हारे लिए लक्ष्मी है आदि प्रकार के कंसेप्ट दिए गए। लेकिन जब पूछा गया आचार्य शंकर से कि भाई दुनिया में नरक का द्वार क्या है जिससे आदमी नरक में प्रवेश करता हो, तो ये बुद्ध की बातें थी जिसको आचार्य शंकर ने कहा। बुद्ध ने कहा कि ये संसार दुख का केंद्र है इसलिए नरक है, और इस नरक में लाने वाली कौन है, बोले नारी। तो नरक का दरवाजा क्या है, बोले नारी। यदि नारी न होती तो हम इस नरक में ना आते, इसलिए नरकस्य द्वारम किम, कहा नरक का दरवाजा क्या है, किमस्ति नरकस्य द्वारम किमस्ति, कहा नारी। नरकस्य द्वारम किमस्ति नारी, नारी को नरक का दरवाजा। यानी जहां पर वेद में सबसे प्रथम देवता माँ है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव तब आचार्य देव, यानी क्रमशः विकास, क्योंकि बच्चा पहले माँ की गोद में जन्मता है, फिर माँ के हाथ से बाप की गोद में आता है, फिर माँ बाप मिलकर के फिर गुरु की गोद में देते हैं जहाँ वो अपना विकास करता है। तो इस क्रम में मातृदेव भव प्रथम देवता माँ है, फिर पितृदेव भव दूसरा देवता पिता है, फिर आचार्य देव भव तीसरा देवता आचार्य है जहां से अपना विकास करता है। तो जहां पर माँ प्रथम देव थी वैदिक विज्ञान में, वहां पर बौद्ध विचारधारा में और शंकर की विचारधारा में नरकस्य द्वारम किमस्ति, बोले नारी। नरक का दरवाजा क्या है, बोले नारी है। नारी न होती तो हम इस नरक के कुंड में न गिरते, तो संसार नरक है, संसार नरक है, संसार में लाने वाली नारी मेन कारण है, इसलिए नरक का दरवाजा है। इस प्रकार से अनेकों ऐसे कंसेप्ट हैं। ये संसार में जीवन क्षण भंगुर है, ये क्षण भंगुर जानते हो कहां का शब्द है, ये बुद्ध का शब्द है, क्षण क्षणिक बात इसे कहते हैं, जीवन क्षण भंगुर है, ये बुद्ध का संदेश है। उनके इस बात को कहते थे क्षणिक बात, आप लोगों ने सुना होगा बुद्ध का क्षणिक बात। तो क्षणिक बात कहता है कि जीवन जो है क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर माने क्षण में विलीन होने वाला। वैदिक विज्ञान क्या कहता है, जीवन नित्य है शाश्वत है, अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण नान्यमते, बिल्कुल उल्टा। यानी जो वैदिक विज्ञान कहता है बिल्कुल उसका उल्टा, वैदिक विज्ञान कहता है अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये जीवन नित्य है शाश्वत है अज है, पुनः पुनः नया होने, पुराण माने प्राचीन नहीं, पुराण शब्द का होता है पुनः नव, संस्कृत में पुराण माने पुनः नव, जो नित्य नया हो। तो जीवन पुराण माने नित्य नया है, यानी प्रत्येक दिन सृष्टि का पहला दिन होता है, प्रत्येक रात्रि उस महाकाल की प्रथम रात्रि होती है, इसलिए जैसा दिन आज का है ऐसा दिन फिर दोबारा तो आने वाला नहीं, ये दिन अपने आप में यूनिक है। तो सृष्टि का प्रथम दिन है और जिस रात्रि में आप प्रवेश करेंगे वही आपकी महारात्रि है, क्योंकि उस रात्रि में आप पूर्ण रूप से लय हो जाएंगे सुसुप्ति में, प्रातः काल पुनः आप उठेंगे तो एक नया दिन पाएंगे। एवरी डॉन कम्स विद फ्रेश शाइन, एवरी मोमेंट कम्स विद गोल्डन लाइन, ये जो सिद्धांत है वैदिक विज्ञान का ये बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये जीवन जो है ये क्षण भंगुर है, नाशवान है, मर जाना है, क्योंकि बुद्ध आत्मा को नित्य नहीं मानते, शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते, बुद्ध आत्मा को नित्य नहीं मानते, बुद्ध की दृष्टि में आत्मा मरती है, जब आत्मा मरेगी तब इसका निर्वाण होगा। तो निर्वाण किसे कहते हैं बुद्ध जानते हो, वो कहते हैं जैसे दीपक आप जलाइए तो दीपक में तेल डालिए बत्ती लगाइए और एक पात्र होता है, तीन चीजों से दीपक बनता है, दीपक के तीन आश्रय हैं,
पात्र, तेल और बत्ती, अब उसमें लगा दीजिए आग। जब उसमें आग लगाते हैं आप, तो जो लपट निकलती, लौ निकलती है, वो नित्य नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे तेल जलता जा रहा है बत्ती के माध्यम से, वैसे वैसे अग्नि निकलती जा रही है। तो ऐसे ही तुम्हारा शरीर तो मिट्टी का पात्र है, दीपक है, पात्र है, और इसमें तुम्हारी वासनाएं जो है वो घृत है, तेल है, और इसमें जो तुम्हारा अहम है वो उसमें वर्तिका का काम कर रहा है, और इसमें लगा हुआ ये जो लाइट है, अब लाइट कहां से उसमें लगा दी गई, इसका कोई उत्तर नहीं बौद्धों के पास, कोई उत्तर नहीं उनके पास। कि चलो तेल हम मान लिए, हमारा यानी शरीर तो दीपक बन गया, इसमें वासनाएं तेल बन गई, हमारी अहम वृत्ति चलो इसमें बत्ती बन गई, लेकिन इसमें वो आग लगाने वाला कौन है, किसने लगाया, कहां से लग गई। वो कहते हैं ये तो अति प्रश्न है, ये अति प्रश्न नहीं किया जाता, जिस बात का कोई उत्तर नहीं उसको कह दो अति प्रश्न है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये जैसे बत्ती जलती रहती है और तेल जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन बत्ती समाप्त हो जाएगी, और जब बत्ती समाप्त हो गई तो वो लौ जो है, ज्योति जो है, वो भी शांत हो जाएगी। तो कहते हैं वासना रूपी तेल खत्म कर दो, वासनाएं को नष्ट कर दो, और फिर अहम रूपी बत्ती अपने आप जल करके तेल नहीं रहेगा तो बत्ती कैसे जलेगी, तो अहम अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब अहम समाप्त हो जाएगा, वासना ही नहीं रहेगी तो हम क्यों जीवित रहेगा, वो बत्ती दूसरी से जल रही तेल से। तो वासना रूपी तेल जहां खत्म हुआ तहां पर वो अहम रूपी बत्ती अपने आप जल जाएगी, और फिर जब तेल नहीं रहेगा तो जो लौ निकल रही है ना, प्रकाश दे रही है जीवन की, ये जीवन अपने आप बुझ जाएगा। तो जीवन के बुझने का नाम है निर्वाण, अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुड़ी। ए बुद्ध का कंसेप्ट अगर सोची, अब वेद कहता है कि अरे भले आदमी ये दीपक नष्ट हो जाए, और शरीर शरीर तो दीपक है, मिट्टी का दिया है, ये तो जब बत्ती बुझ गई तो मिट्टी का दिया तो बेकार हो जाता है, उठाकर इसको मिट्टी में मिला देते हैं। वेद कहता है भले आदमी ये मिट्टी का दिया समझ लो, ये वासना तेल समझ लो, अहम बत्ती समझ लो, लेकिन हम तो जीवन इनको नहीं मानते ना, हम जीवन किसे मानते हैं, प्रकाश को। तो जो प्रकाश इस बत्ती के माध्यम से हुआ वो प्रकाश नित्य है या अनित्य, वो शाश्वत है या अशाश्वत, क्या उस बत्ती के खत्म करने से, उस लौ के बुझने से प्रकाश का नाश हो गया, प्रकाश तो नित्य तत्व है। इसलिए वेद कहता है कि ज्योति सामप्त ज्योति तमसा परम उच्चते ज्ञानम गियम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वसृष्टितम, वेद का मंत्र है, गीता में बताया गया है और वेद में भी यही बताया गया, तमेव भान्तम मनुभात सर्वम तस्य भाषा सर्वविदं विभाति न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नैमा विद्युतो भान्ति कुतो अयम अग्निः। काइस अग्नि, अग्नि क्या मजाक उसको प्रकाशित कर सके, वो तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वैदिक ऋषियों ने घोषणा की वेदा हमेतम पुरुषम महान्तम आदित्य वरणतम सह परस्तात तमेव विदित्व आत्मत्वेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। ये जो विचार सरणी रही वेद की, अब इन्हीं बातों को कुछ थोड़ा सा छोड़ करके कुछ बातों को बुद्ध की ज्यो करते हो आचार्य शंकर ने कही, शंकर ने वही बातें कही, और शंकर का इतना प्रभाव पड़ा कि बाद के संत जो वैदिक मत के अनुयायी थे उन्होंने भी उन बातों को दोहराया बार बार में, दुनिया नाशवान है, जीवन क्षण भंगुर है, कल मर जाना है, अब ये मर जाना है, जी जाना है, मर जाने से, अब यही बात गीता में समझाई गई कि भले आदमी मर नहीं जाना तुम्हें, तुम्हारे शरीर का चोला बदलेगा। आदमी की, एक कवि ने लिखा है, आदमी की उम्र चुक न पाई कहीं, सिर्फ चोले बदलते रहे देह के, बंद थे द्वार घर बंद थी खिड़कियां, पर उजाले मिले, उजाले मिले जीव को गेह से। चाहे दुनिया के सारे रोशनी बंद हो जाए, रोशनी के आधार बंद हो जाए, तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता, उसको तो उजाला देने वाला एक नित्य शाश्वत तत्व है, प्रकाश देने वाला वो शाश्वत तत्व है, उसका कभी नाश नहीं होता। नश्यत सुन विनश्यति, दुनिया के नाश होने पर भी उसका विनाश नहीं होता। ये जो सिद्धांत वेद ने समझाया, वेद में जीवन आशावादी है और बौद्ध के विचार में जीवन निराशावादी है। वेद का जीवन शाश्वत है, बुद्ध का जीवन क्षणभंगुर है, नाशवान है। वेद में जीवन अविनाशी है, वेद में मानव शरीर देव मंदिर है, इसलिए इसको सजाने के लिए अनेक प्रकार की विधियां हैं,
इसको स्वस्थ रखने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और जब तुम ये मान लो कि ये तो नरक से नरकम किम स्व शरीरम, ये तो नरक का भी नरक है, फिर इसको संभालने की क्या जरूरत, इसको सजाने की क्या जरूरत, इसको संवारने की क्या जरूरत, ये तो नरक का नरक है। फिर इसके प्रति तुम्हारी रुचि कैसे होगी, आस्था कैसे होगी, लगन कैसे होगी, फिर तुम निरोग रहने के लिए कैसे मेहनत करोगे। लेकिन अरे भले आदमी, तुम्हारे स्वर्ग का मोक्ष का साधन तो यही है। साधन यदि नरक का नरक है तो इससे तुम्हें स्वर्ग की सिद्धि कैसे हो सकती है। लेकिन ऋषियों के उन विचारों को नहीं समझा कर, हम जब वैदिक साहित्य और वर्तमान के विचारों को पढ़ते बड़ा दुख होता है कि बिल्कुल जीवन के प्रति उल्टी दिशा है। भगवान कहते हैं कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तृभवः, धर्म का विरोधी जो प्राणियों में काम है वो मेरा स्वरूप है, कि उसी से सृष्टि होती है। भला सोचो, काम का प्रयोग न हो तो सृष्टि हो सकती है? हम आप इस रूप में आते, या अनंत आत्माएं जो स्पेस में पड़ी हुई है वो जन्म ले सकती है बिना काम के प्रयोग के? नहीं, ऐसा असंभव है। और उस काम को तुम नरक का द्वार कैसे बता सकते हो? इसलिए भगवान ने कहा, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तृभवः प्रजनश्चास्मिकन्दर्पः। कौन सा काम भगवान कहते मेरा स्वरूप है? उन्होंने कहा प्रजनश्चास्मिकन्दर्पः, जो संतान उत्पत्ति के लिए काम का प्रयोग किया जाता है वो मैं हूं। प्रजनश्चास्मिकन्दर्पः, क्या समझे? जो संतान उत्पत्ति के लिए काम का प्रयोग किया जाता है वो काम मेरा स्वरूप है। और इसी रूप से भगवान ने बताया कि ऐश्वर्य मेरा स्वरूप है। यदि विभूतिमस्तत्वम श्री मधुर्यतेवा तत्तेव तत्तत एव अवगच्छन्तम मम तेजो संभव। दुनिया में जो ऐश्वर्य है वो मेरे तेज से प्रकट हुआ है, दुनिया में जो वैभव है मेरे तेज से प्रकट हुआ। यदि ये वैभव ऐश्वर्य सारा व्यर्थ का होता तो राम और कृष्ण राज सिंहासन पर बैठ करके दुनिया को सुख संपत्ति से युक्त कैसे करते? आज भी राम राज्य की सुख व्यवस्था को पढ़ करके लोग हैरान होते हैं। पश्चिम के लोगों ने तो वाल्मीकि रामायण को महाभारत के बाद की रचना मान ली, क्या समझे? भारत के सभी लोग जानते हैं कि राम पहले हुए हैं, कृष्ण बाद में। सभी लोग जानते हैं रामायण पहले लिखी गई, महाभारत बाद में, क्योंकि महाभारत में रामायण का जिक्र है लेकिन रामायण में महाभारत का जिक्र नहीं। एक बात, रामायण के सारे पात्रों का वर्णन महाभारत में है लेकिन महाभारत में महाभारत के किसी भी पात्र का नाम रामायण में नहीं है। दूसरी बात, रामायण काल के सारे ऋषियों का चरित्र महाभारत में वर्णन है, महाभारत काल के किसी भी ऋषि का नाम रामायण में नहीं है। यानी मेरे कहने का प्राय कि ऐसे अनेकों आंतरिक साक्ष्य हैं जिसके आधार पर यह सिद्ध है कि रामायण पूर्व की रचना है, नहीं तो रामायण ऐसे महाकाव्य में और उस समय के प्रसिद्ध ऋषियों का नाम न आवे। चलो और घटनाएं न लिखे, प्रसिद्ध ऋषियों का नाम तो लिख सकता है, कभी कहीं उदाहरण देने के लिए ही किसी को उद्धृत कर देता है, लेकिन ऐसा रामायण में नहीं हुआ। तो निष्पक्ष जानने वाले सब कहते हैं कि रामायण पहले की रचना है महाभारत बाद की, लेकिन पश्चिम के लोगों को यह विश्वास नहीं हुआ कि रामायण में जिस वैभव का वर्णन है वो वैभव 5000 वर्ष से पहले कैसे हो सकता है, उसमें तो मनुष्य असभ्य था, इसलिए रामायण पहले की रचना हो ही नहीं सकती। वो कहते हैं कि पहले बहु स्त्री विवाह प्रथा थी, बाद में एक स्त्री पति व्रत आया, क्या समझे? इसलिए जब से महाभारत में तो बहु स्त्री विवाह प्रथा है और रामायण में एक स्त्री व्रत है, तो ये एक स्त्री व्रत तो विकसित समाज का स्वरूप है, इसलिए वो बाद का है और महाभारत की रचना पहले की है, क्योंकि उस समय समाज इतना सभ्य और विकसित नहीं था। उनके सोचने का ढंग, क्योंकि वो अपने ढंग से सोचते हैं, अपने समाज के ढंग से सोचते हैं, क्योंकि अब इन्होंने अपने आप को मॉडरेट करने की कोशिश करना प्रारंभ किया है। इनके यहाँ सोसाइटी नाम की कोई चीज नहीं है, अब सोशल सेटअप के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अब भारत में जब पुरानी सोशल व्यवस्था देखते हैं तो कहते हैं ये तो बहुत विकसित व्यवस्था है, ये इतने प्राचीन काल की हो ही नहीं सकती। अब उनकी सोचने की गति है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि महाभारत काल से रामायण काल में कितना अंतर है। रामायण और महाभारत आदि ग्रंथों के माध्यम से हम देखते हैं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिनको हमने पूर्णावतार स्वीकार किया है, वो वन साइडेड यानी एक पक्षीय विचारधारा के व्यक्ति नहीं थे, वहां सर्वतोमुखी विकास की व्यवस्था थी। इसीलिए हिंदू धर्म में बताया गया ये तो अभ्युदय सिद्धि, ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म। धर्म की व्याख्या करते हुए ऋषि ने कहा कि जिसके द्वारा अभ्युदय हो, अभ्युदय माने ऑल राउंड डेवलपमेंट, फिलोसफी ऑफ हिंदू धर्म
all round development with you know, samambonam, with mundane progress, in other words. And one should achieve samambonam with mundane progress. This is the teaching of religion. This is the gist of religion. So I was telling you that in Vedic religion, in Vedic philosophy, in whatever we are reading, and in whatever is nowadays in our ideology, mostly prachalit, you can say in fashion, that is totally different. Totally different. There is a very big gap between both. Vedic teaching is totally different from Buddha teaching and saintly teaching. So we should try to adopt Vedic philosophy. We should try to adopt Vedic teaching. We should try to adopt whatever Upanishad teaches us. And you know, Upanishad is Brahma Vidya. And Bhagavad Gita is Brahma Vidya too. Upanishasu Brahma Vidyayam Yoga Sastre. In Bhagavad Gita we are reading. Upanishad and Bhagavad Gita is Brahma Vidya, gist of Veda. And Brahma Vidya teaches for welfare of all beings. Sarva Bhuta Hite Rata, welfare of all beings. We should be engrossed in the welfare of all beings. Ye uski teaching hai. So if you will accept teaching of Bhagavad Gita, teaching of Upanishad, teaching of Veda, then we will be survive. There is no other way. Ye sochte hue ki sharir nashwan hai, aur ek din to marna hi hai, kabhi bhi hum sharir ke prati saavdhan nahi ho sakte. ये बात याद रखो, जब तक हमारे दिमाग में बात बनी रहेगी कि दुनिया नाशवान है, दुनिया नरक है, तो अभी जो अमेरिका में घटना हुई थी कुछ वर्ष पहले, दो तीन वर्ष हो गया, ये दुनिया रहने योग्य तो है ही नहीं. He told to his followers that world is not worth for living. Then what we should do? Oh, we should leave this body. Then he, you know, gave poison to his followers, and 900 people died at once in Gyan. Yeah, Gyan. Okay. Mr. John, and he killed 900 people. Why? He was thinking that world is not worth for living. No. Everywhere is, you know, sin. Everywhere is tragedy. Everywhere is, you know, in violence, everywhere is peacelessness, everywhere is grief and sorrows. So world is not for living. Then he died. So I was telling you that if you will think in this way, then you can't live in this world happily, peacefully, and in developed form. If you will think about, you know, according to Vedic philosophy, then you will know value of your body, value of your soul, value of your environment, and value of your family too. अब देखिए, बुद्ध ने कहा कि श्राद्ध करने से क्या होता है? Vedic philosophy और बुद्ध philosophy थोड़ा सा और बताऊँ आपको. Vedic philosophy ये कहती है कि संतान जो है वो पिता की आत्मा है. जैसे अपनी आत्मा को फीड करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, ऐसे ही अपने डिपार्टेड पिता की सोल को फीड करने के लिए संतान भी सत्कर्म करे, उसको श्राद्ध कहते हैं. और फादर डिपार्टेड सोल और फोर फादर्स डिपार्टेड सोल मस्ट बी बेनिफिटेड बाय ऑल, यू नो, वुड बी बेनिफिटेड बाय ऑल गुड डीड. सो वी हैव टू डू दैट डीड for those souls, because we are only partial incarnated form of those souls. Atma vajayato putra, pita swayam ko putra roop mein prakat kiya hai. So doing something for our forefather is doing something for our own self. Ye to Vedic philosophy kehti hai. Baad mein Buddha philosophy kya kaha? Are jo mar gaya wo to mar gaya. Deepak jab bujh gaya to wahan to kuch nahi hai. फिर किसके लिए तुम ये श्राद्ध करने जा रहे हो? तो बुझ गया. जैसे मैंने बताया ना, जीवन तो एक लौ थी, वो बुझ गई. जब वो बुझ गई है, तुम किसके लिए श्राद्ध कर रहे हो? किसको मिलेगा ये?
यदि ऐसे तुम्हें करना है तो तुम्हारा रिश्तेदार यदि कहीं दूर देश में पहुंचा हुआ है तो यही तुम रोटी पकाकर उसे रख दो, वो खा लेगा। इस प्रकार की बातें बाद में